दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में 15 साल पूरे कर लिए हैं। दीपिका ने फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्मों की दुनिया में नाम कमाने के बाद दीपिका ने कॉस्मेटिक की दुनिया में कदम रखा है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपना स्किन केयर ब्रांड 82 ईस्ट लॉन्च किया है। जहाँ कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रॉल भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण हमेशा अपने शानदार स्टाइल और अंदाज की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस अब एक्टिंग के अलावा बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में दीपिका ने अश्वगंधा बाउंस मॉइस्चराइजर और पचौली ग्लो सनस्क्रीन ड्रॉप्स लॉन्च किया है। बता दें कि ये उनके हाल ही में लॉन्च किए गए सेल्फ केयर ब्रांड 82 ईस्ट के लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए सभी को एक खबर दी है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि सेल्फ केयर ब्रांड को तैयार करने के पीछे उनकी 2 सालों की कड़ी मेहनत लगी है। ये ब्रांड स्टैंडर्ड मेरिडियन से इंस्पायर्ड है, जो भारत से होकर गुजरती है और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ हमारे रिलेशनशिप को शेप देती है। एक्ट्रेस चाहती है कि उनका भारतीय मॉडर्न सेल्फ केयर ब्रांड पूरी दुनिया तक पहुंचे। हालांकि दीपिका अपने ब्रांड को लेकर बुरी तरह ट्रॉल हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि यूजर्स का दिमाग प्रोडक्ट्स की कीमतों को सुनकर ठनक गया है। लोगों का मानना है कि जितने में हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उतने में तो महीने भर का राशन ले आएंगे। अश्वगंधा और सोडियम हाइलुरोनेट के साथ मॉइस्चराइजर की कीमत 2700 रुपए है, जिसे लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं। करेंटली ब्रांड की स्किन के रेंज में क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, आई क्रीम और सनस्क्रीन शामिल है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दीपिका पादुकोण के इस कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।